धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती झीलों से घिरा हुआ है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। श्रीनगर भारत की सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। खूबसूरत वादियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर में 22 से 24 मई के दौरान G20 देशों के पर्यटन कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित हुई। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद करीब 37 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। श्रीनगर में पहली बार होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। जब विभिन्न देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे तो भारत के स्वागत, आतिथ्य और कश्मीर की खूबसूरती ने सबका दिल जीत लिया। Wonderful. This is truly heaven on earth. The nature and the culture, it shows and it's really special. I'm really happy to be here. I'll always remember this and treasure this moment. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में 17 देशों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में ग्रीन टूरिज्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, MSME और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट जैसे 5 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया। ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तन को गति देने और 2030 के सूचीबद्ध सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार हैं। इसके अलावा बैठक में एडवेंचर टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, इको टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म पर भी चर्चा हुई और कई साइड इवेंट्स भी आयोजित किए गए। Our aim is to make the countryside and popular destinations more sustainable and preserve the beauty of fascinating heritage sites. I am confident under the leadership of Honorable Prime Minister Mr. Modi, Jammu Kashmir will soon find its place in the top 50 destinations in the world. तीन दिवसीय बैठक के दौरान आर्थिक विकास के लिए फिल्म पर्यटन के माध्यम से अतुल्य भारत को बढ़ावा देना विषय पर भी पैनल डिस्कशन हुआ। इस दौरान प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और निर्माता के रामचरण तेजा के साथ भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक और दक्षिण कोरिया टीम की एक महिला अधिकारी नाटू नाटू गाने पर जमकर थिरके। Your eminent producer has won the Oscars recently, RRR, right? Yeah, and I think it's a wonderful way to highlight and showcase your country to other audiences, the global audiences. So it's great that the Indian government has also launched a draft tourism strategy for film tourism. I think it's wonderful. Yeah, I'm coming here for the first time. And I really love what I'm seeing, and I hope that in the future we'll be able to collaborate with the states in this event. चर्चा के बाद फिल्म पर्यटन के प्रचार और विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिक्की के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फिल्म टूरिज्म का अनावरण भी किया गया। In the past 2 years, more than 404 films, TV serials, advertisements, they have been given permission for shooting here. चर्चा सत्र के बाद G20 प्रतिनिधियों ने प्राचीन डल झील पर शिकारा की सवारी के साथ सूर्यास्त के खूबसूरत पल को देखने का आनंद लिया। इसके अलावा प्रतिनिधियों को निषाद उद्यान, पुनर्विकसित पोलो मार्केट और परी महल जैसे स्थानीय आकर्षणों का अनुभव करने का भी अवसर मिला। We discovered the beauty of the Kashmir, the Dal Lake and mountains, and also the rich cultures and welcoming people here in Srinagar, Kashmir. You have very, very beautiful nature, and I think because of rain, it's like the colors are more bright. It's really, really beautiful, so we're really enjoying. We have seen many beautiful sights in Srinagar. We are very touched by the hospitality of citizens in Srinagar. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को कश्मीर के क्राफ्ट बाजार में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के जरिए यहाँ की पारंपरिक कला को देखने और जानने का अवसर मिला। प्रतिनिधियों ने
स्थानीय DIY गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। श्रीनगर in Kashmir has been one of the earliest seats of learning both in Persian as well as in Sanskrit. It has a wide range of craftsmanship, artisanship, ranging from carpets, embroidery, shawls. Recently we had Masoli painting achieving the GI tag. श्रीनगर में डल झील के सामने सभी अतिथियों के लिए सांस्कृतिक संध्या और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न संगीत और नृत्य जैसे रऊफ, चक्री, पहाड़ी नृत्य, डोगरी नृत्य और भद्रवाही के रूप में क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने स्थानीय व्यंजनों का भी आनंद लिया। भारत की G20 अध्यक्षता ने पूरी दुनिया के लिए कश्मीर के द्वार खोल दिए हैं। आने वाले समय में निश्चित ही इसका असर देखने को मिलेगा और कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अवसरों के कई रास्ते खुलेंगे, साथ ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।